105 में कह रहा है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो, ठीक है। कोई धन मान लेते हैं, कोई धन पी है, ठीक, साधारण ब्याज की दर से, दर मान लो आर है कोई, ठीक, और टाइम दे रहा है, टाइम क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है 8 8 ईयर्स, ठीक, 8 साल दे रहा है, इसमें 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इधर मान लेते हैं 2 गुना होता है, तो इधर ये पी हो गया, ब्याज पी हो गया, और पी मूलधन हो गया, इंटू आर हो गया, इंटू टाइम कितना है 8 हो गया, अपॉन कितना 100, ठीक, पी से पी ये कैंसिल हो गया, आर कितना आ गया हमारा, आर आ गया 100/8। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वह कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, इसके लिए क्या करें, स्वयं का 3 गुना होगा, ठीक है, पहले 3 गुना होगा तो 3p हो जाएगा, 3p, 3p में 1p घटा दो कितना आ जाएगा 2p, तो इधर 2p लिख लो, ब्याज 2p हो गया, और इधर ये p हो गया, इधर r, r क्या दिया हुआ है 100/8, 100/8, ठीक, इंटू टी, टी पूछ रहा है हमें, और अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, पी से ये पी कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा टी, टी इज इक्वल टू ये आर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 2 यानी कि 16, आंसर क्या आ जाएगा 16 वर्ष, टी बराबर 16 वर्ष, आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।